दोस्तों आपको तो पता ही है कि बॉलीवुड में खिलाड़ी कुमार को लेकर एक बात लगातार कही जाती है कि भाई खिलाड़ी कुमार के स्पीड को पकड़ना मुमकिन नहीं बल्कि नामुमकिन है। यानी कि भैया खिलाड़ी कुमार को लेकर एक बात हमेशा कही जाती है कि भाई इन दिनों खिलाड़ी कुमार अपनी आने वाली दो फिल्मों का काम बैक टू बैक कर रहे हैं और भाई इसी बीच में खिलाड़ी कुमार को लेकर ऐसी खबरें भी आ जाती है कि भैया खिलाड़ी कुमार ने इन दोनों फिल्मों का काम करते करते दो और फिल्में साइन कर ली। यानी कि भैया वो बैक टू बैक कई सारी फिल्मों का काम कंप्लीट कर रहे हैं और बहुत सारे फिल्मों का काम शुरू करने वाले हैं। तो दोस्तों आज खिलाड़ी कुमार को लेकर एक और बहुत बड़ी खबर सामने आ गई है कि भाई वो एक और फिल्म को साइन कर चुके हैं। यानी कि भैया उनके पास फिल्मों की लाइन इतनी लंबी है कि जिसे देखने के बाद हम ये कह सकते हैं कि भाई वो कम से कम 20-30 साल तक तो ऐसे ही बॉक्स ऑफिस पर लगातार फिल्में पर फिल्में देते नजर आएंगे। यानी कि भैया जब तक वो थकेंगे नहीं तब तक वो रुकेंगे नहीं और भाई वो यूं ही फिल्में देते नजर आएंगे। तो दोस्तों कौन सी है ये फिल्म और इस फिल्म को कौन डायरेक्ट करने वाले हैं, चलिए मैं आपको बताता हूं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और मैं आपके लिए लिख रहा हूं और एक खास रिपोर्ट जो कि जुड़ी भैया बॉलीवुड के रियल मेगा स्टार यानी भैया गारंटी कुमार, खिलाड़ी कुमार, रिकॉर्ड कुमार यानी कि भाई स्पीडी कुमार, अक्षय कुमार से। तो दोस्तों आपको तो पता ही है कि इन दिनों अक्षय कुमार अपनी रिलीज हो चुकी फिल्म यानी कि लक्ष्मी को लेकर काफी चर्चाओं में है जिसका लाइव स्ट्रीमिंग हो चुका है ओटीटी प्लेटफॉर्म यानी कि डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर। तो दोस्तों इस फिल्म की तो चर्चा इन दिनों बॉलीवुड के गलियारों में काफी हो रही है लेकिन इसी बीच में खिलाड़ी कुमार को लेकर एक और बहुत बड़ी खबर हम लोगों के सामने आई है कि भाई उन्होंने 2021 के लिए एक और फिल्म अपनी डायरी में जोड़ लिया है। यानी कि भैया उन्होंने मुदस्सर अजीज के फिल्म को फाइनल कर लिया है और वो इस फिल्म में नजर आने वाले हैं। तो दोस्तों इस फिल्म को लेकर ये खबर सामने आ रही है कि भाई ये फिल्म एक कॉमेडी जॉनर की फिल्म है और भाई इस फिल्म को 2021 में ही फ्लोर पर ले जाने की तैयारी में जुट चुके हैं इस फिल्म के मेकर यानी कि मुदस्सर अजीज। यानी कि इस फिल्म को लेकर यह खबर सामने आ रही है कि 2021 के जुलाई के महीने से इस फिल्म का काम अक्षय कुमार शुरू कर देंगे। यानी कि भैया अक्षय कुमार के पास में 2021 में कई सारी फिल्में हैं मेरे भाई और भाई इन फिल्मों को पूरा करते करते अक्षय कुमार इस फिल्म का काम कैसे शुरू करेंगे ये देखने में मजा आएगा। और भाई जिस तरीके से इन दिनों अक्षय कुमार बैक टू बैक कई सारी फिल्मों का काम कंप्लीट करते जा रहे हैं ना उसको देखने के बाद तो यही बार बार कहना पड़ेगा कि भैया खिलाड़ी कुमार की स्पीड को पकड़ना मुमकिन नहीं बल्कि नामुमकिन है। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल वर्म जंक्शन को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूले और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं।